और वही क्या चल सब क्या कैसे हो सब। तो आज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, सुबह वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो फर्स्ट वाला बात करते हैं सुनीता के बारे में। तो कैसे आपको पता होगा, अगर फ्री फायर गेम में कोई भी वीबैच यूट्यूबर आता है गेम में एंड अगर वो किल करता है तो ज्यादातर लोग उनसे टीम अप करने का कोशिश करते हैं। आई एम श्योर अगर आपके गेम में कभी यूट्यूबर आया है तो आपने भी चीज ट्राई किया ही होगा, बट लुक्स लाइक अब आप ये चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज सुनीता ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला जहाँ पे उनको एक मेल आया था फ्री फायर की तरफ से एंड वहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ था कि टीम अप की वजह से आपके आईडी पे रिपोर्ट्स पड़ी हैं एंड अगर यही सेम चीज आप आगे भी करते हो तो आपकी वीबैच वाली आईडी बैन हो जाएगी परमानेंटली। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ एंड कवाल है टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर्स के बारे में। तो रिसेंटली देसी गेमर जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ पर टोटल गेमिंग थोड़ा सा रोस्ट कर दिया गरेना को। ऑल्सो वो बात की फ्री फायर के कमबैक के बारे में, आप खुद देखिए। हमें दाए ओल्ड लाइव स्ट्रीम है। हाँ ब्रो ओल्ड लाइव स्ट्रीम है, ये हमने 2019 के लाइव स्ट्रीम लगा के छोड़ दिया है। गेम वाले आपके दुश्मन है, मेरे को कभी कभी सच्ची में लगता है कि गेम वाले मेरे दुश्मन है, मानो या ना मानो बट मेरे को लगता है कभी कभी। अरे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो पीक पे एक स्ट्रक्चर लाया ना, घर का स्ट्रक्चर लाया जो भाई, वो बढ़िया है कि बट उसको कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट कर दो। पीक और देखो क्लॉक टावर के बीच में कितना बड़ा गैप है, उधर घुसेड़ दो। सर जी इतना दिमाग होता तो अभी तक ये गेम प्ले स्टोर में नहीं होता इनके पास। फ्री फायर का वापस टाइम तभी आएगा गाइस जब ये मेन एपीके, जब फ्री फायर का वापस एप स्टोर पे आएगा ना, तब तुम समझोगे कि क्या है फ्री फायर। क्या बोलते हो अमित भाई? तब भी नहीं आएगा यार, आज पॉजिटिव बोला तो अमित भाई नेगेटिव बोल रहे हैं। इसके बाद देसी गेम में बात करते हैं फ्री फायर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जो कि कंटेंट के नाम पे फेक स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं एंड यहाँ की ऑडियंस भी ऐसी है कि उनको टोकने या फिर रोकने के बजाय उन्हीं को सपोर्ट करती है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे अजय भाई, लोग ना यूट्यूबर से चैलेंज मांग के भी लोग स्क्रिप्टेड वीडियो डाल देते, पता है? मैं तुम लोग से चैलेंज मांगता हूँ, मैं बोलता भी नहीं, जो भी अंडरस्टैंड जो भी तुम लोग देते हो मैं एक एक मंथ बाद भी वो कंप्लीट कर डालता हूँ, ताकि एक दो यूट्यूबर के बीच में एक रिलेशन अच्छा रहे। हाँ भाई बंदा ने किया है ऐसा लगे। भाई लोग यहाँ पर, अज भाई मैं तुमको दिखाता हूँ बाद में, मैं खुद देख के शौक होता हूँ। कस्टम बना के ना जब एकदम इम्पॉसिबल चैलेंज वगैरह ये वो बना के लोग डाल रहे हैं और जनता उनको कुछ नहीं बोलती। अरे भाई आप तो भाई आप ही हो जो हो, आप ही हो सब कुछ। अमित भाई तो नुबड़े, अमित भाई ने तो भाई क्या है, अमित भाई तो फालतू करते हैं बस, वो एक दो बार चैलेंज किया ये वो। भाई मेरे पास तुम लोगों के बोलने के लिए 1% जगह नहीं छोड़ा हम लोगों ने, और भाई सब प्रो गिरी करते हैं भैंस के यहाँ के भाई, तो हम ही है भाई दुनिया में सबसे अच्छा, अगर कोई मेरे से अच्छा खेलता तो मैं ही हूँ। तेरा अनंत कमाल है अनग्रेजुएट गेमर एंड रजत एफएफ के बारे में। तो रजत एक फ्री फायर यूट्यूबर है एंड रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया अनग्रेजुएट गेमर के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि अनग्रेजुएट गेमर बहुत बार फेक वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पर। छोटा सा पार्ट मैं उनकी वीडियो से प्ले करके दिखाया था, फुल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस आप लोग आयुष भाई का ये वाला शॉर्ट वीडियो देखो और मैं आप लोगों को एक प्रूफ देता हूँ कि किस तरीके से ये वाला स्क्रिप्टेड शॉर्ट वीडियो कस्टम बना के बनाया गया। यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, जब किल करेंगे आयुष भाई तो वहाँ पे डिस्प्ले पे किस किस का नाम आएगा। सबसे पहला नाम देखते हैं गाइस यहाँ पे किसका आएगा जब आयुष भाई किल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है गाइस डीसी एहसान और सेकेंड नाम आता है यहाँ पे ज्ञान किट्टू और मेन इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे आप लोग देखो डब्ल्यू एल कन्हैया। ये जो बंदा है ये आयुष भाई के साथ गेम खेलता है लाइव स्ट्रीम। आयुष भाई के सामने 1v4 का सिचुएशन था और बंदे नीचे गुलवोल पैक करके बैठ गए। अब देखो WL जैकी के ये सारे बंदे हैं गिल्ड के और लास्ट में देखो कौन आया, कन्हैया नाम का। जो बंदा क्लॉक टावर पे था वही यहाँ पे आ गया। अब इतनी सारी क्लिप दिखाई है तो एक मेन प्रूफ देना भी बाकी रह गया, तो तुम ये वाला प्रूफ देख लो, तुम लोगों को खुद यकीन हो जाएगा कि आयुष भाई ने ये स्क्रिप्टेड वीडियो मतलब कस्टम बना के तुम लोगों को सी बनाया। ये देखो गाइस WL कन्हैया आयुष भाई के ग्रुप में खड़ा है, इनकी फ्रेंड लिस्ट में भी है, तो इसी तरीके से आयुष भाई तुम लोगों का सी बना रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरह अनंत कमाल है एएस गेमिंग के बारे में। तो भाई एएस गेमिंग है बहुत ही ज्यादा गुस्सा अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के ऊपर एंड कुछ ऑडियंस के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग उनके घर के नीचे आते हैं उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को खराब करने लगते हैं, जैसे कि लिफ्ट को बार बार दबाते हैं, गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह मारते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए। अभी मेरे को पता चला है कि कल संडे के दिन में 12:30 बजे के करीब कुछ बच्चे आए थे मिलने के लिए, मैं घर पे था नहीं तो वो नीचे चले गए एंड पार्किंग में उन लोगों ने जो हरकतें की है मैं आपको वो सारी हरकतें दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ से हम यहाँ से प्ले करते हैं, यहाँ से ये लोग आए ठीक है एंड फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने यहाँ पर। पहले तो ये लिफ्ट को खराब करने की कोशिश की इन्होंने बार बार, ये देखना इनकी हरकतें देखना। तो पहले तो ये लिफ्ट से ऊपर आ गए ठीक है, यहाँ से लिफ्ट से ऊपर आ गए सबके सब तीनों के तीनों बच्चे। फिर उसके बाद आई थिंक अभी देखना थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ तो देखो उसके बाद ये वहां से सीढ़ियों से नीचे आए, अभी जस्ट नीचे आए एंड अब इन्होंने शुरू कर दिया। ये देखो ये अब क्या करेंगे, बार बार लिफ्ट का बटन दबाएंगे। ये देखो लिफ्ट का बटन दबा रहे बार बार। इन्होंने क्या क्या पीछे फ्यूज वगैरह थे तो उन्होंने से इन्होंने एक फ्यूज निकाल दिया, जिससे कि एक फ्लैट की हमसे नीचे जो रहते हैं यहाँ पर उनकी जो है वो लाइट ही चलेगी पूरे घर की। फ्यूज का चेहरा ये रहा
ठीक है, एक का चेहरा ये रहा। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही हरकतें करके यहाँ से निकल जाओगे, या गाड़ी में कुछ करोगे, या बाइक में कुछ करोगे, या फ्यूज निकाल दोगे, पता नहीं चलेगा, चार चार कैमरे लगे हुए, वो तो उस टाइम पे पता नहीं चला। अगर अब ये तीनों बच्चे यहाँ पर दिखे तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे, इतने थप्पड़, इतने चांटे पड़ेंगे, उसके बाद तुम अपने घर वालों को बुलाओ, चाहे पुलिस में कंप्लेंट करो, जो मर्जी करो। यहाँ पे ये पब्लिक, ये किसी के, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम फ्यूज निकाल दोगे, लिफ्ट खराब कर दोगे, किसी की गाड़ी की प्रॉपर्टी को खराब करोगे, कुछ भी डैमेज करोगे, केस भी हो सकता है। और ये समझ के नहीं, बच्चे और भी बहुत ऐसे ऐसे हरकतें जो करने की सोचते हैं, हरकतें यहाँ पर करते हैं, बहुत ज्यादा बुरा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगले स्टोरी तरफ, अहमद कमाल है तोंडे गेमर के बारे में। तो गाइस तोंडे गेमर के रिसेंटली कंप्लीट हो गए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो जब ये चीज हुआ वो अपने चैनल में लाइव स्ट्रीम करते, काफी बढ़िया रिएक्शन का रिकॉर्ड हुआ है, आप खुद देखिए। अरे बाप रे बाप रे, 9:23 हो चुका है, बहुत जल्दी होने वाला है, टाइम ही नहीं है। आओ छोरा, थैंक यू सो मच। सब लोग एक बार मतलब सब्सक्राइबर जो यहाँ तक पहुँचा दिए हम लोग सभी को थैंक यू, सभी लोग थैंक यू बोल दो एक बार, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, अहमद कमाल है अक्षय राणा के बारे में। तो कैसे आप लोग उनको जानते होंगे, ये एज गिविंग के ब्रदर हैं। तो कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट किया था जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड भाई ऑब्वियसली जब कोई भी इस पिक्चर को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि इनकी मार पिटाई हुई है या फिर इनका बुरा एक्सीडेंट हो गया। वेल उनकी ऑडियंस को ये लगा, बट गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा। गाइज मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने फोटो डाली है वो फेक है, कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे को सबको लग रहा है रियल है भाई, वो साफ दिख रहा है, वो फिल्टर है भाई, रियल नहीं है वो। अभी एक्सीडेंट का बात चल रहा है तो गाइज आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले एज गेमिंग का काफी भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, बट फॉर्चुनेटली उनको चोट नहीं लगी, बस उनकी गाड़ी थोड़ी डैमेज हो गई। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उनका ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।